नमस्कार, पोषण ट्रैकर ऐप में टीएचआर कैसे करनी है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ पोषण ट्रैकर ऐप में जो टीएचआर को लेकर नया नियम है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप यहाँ पर जो बेनिफिशरी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो गर्भवती महिला है या फिर यहाँ पे जो स्तनपान कराने वाली महिला है और यहाँ पे जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनको हम लोग टीएचआर देते हैं। ठीक है, तो इनको टीएचआर की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि जो पहले नियम था कि जो गर्भवती महिला है या धात्री महिला या जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनकी कैटेगरी में जाके हम लोग टीएचआर का जो ऑप्शन है वो यहाँ से सिलेक्ट करते थे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े का जो ऑप्शन है इस पर जाके हम लोग जो टीएचआर की एंट्री है वो करते थे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल आप लोग इस प्रकार से टीएचआर करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हटा दिया गया है। इसका ऑप्शन आप लोगों को अब डेली ट्रैकिंग में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि यहाँ पे टीएचआर कैसे करनी है डेली ट्रैकिंग में जाके। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे। डेली ट्रैकिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको जो टीएचआर या एससीएम का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो गर्भवती महिला है उनकी कैटेगरी यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितनी गर्भवती महिला है और कितने गर्भवती महिला को टीएचआर दिया गया है। यहाँ पर सभी रिकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्तनपान कराने वाली माता की कैटेगरी दी गई है और यहाँ पर 6 मंथ से 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी दी गई है। नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे 3 ईयर टू 6 ईयर, ये वो बच्चे हैं जो आप लोग डेली ट्रैकिंग में इनका अटेंडेंस बनाते हैं या फिर इनको जो एसीएम वगैरह है, मॉर्निंग स्नैक्स है, वो सारी चीज़ें आप इनको देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं टीएचआर देने के लिए, किस प्रकार से टीएचआर देंगे। तो हम लोग बेसिकली अभी पोषण ट्रैकर ऐप के 19.0.1 के अपडेट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अपडेट पर अगर आप लोग नहीं हैं तो सबसे पहले आप लोग 19.0.1 को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद टीएचआर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को टीएचआर की एंट्री करने की ऑप्शन खुल के आ जाएगी। जैसे कि अभी भी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो है वो 19.0 के अपडेट पे ही काम कर रही हैं, तो वो अपडेट कर लें 19.0.1। तो यहाँ पे जो टीएचआर की जो ऑप्शन है 25 दिनों की वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं गर्भवती महिला की कैटेगरी, इनको हम बारी बारी से यहाँ पर टीएचआर की एंट्री करते चलेंगे। देखिए, बेसिकली पिछला जो अपडेट था 19.0, जिसमें कि सिर्फ 15 दिन और 7 दिन का ही ऑप्शन दिख रहा था, जो कि उस समय काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कई आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है वो 7 दिन और 15 दिन की एंट्री कर चुकी हैं, तो उनको अभी घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 25 दिनों की ऑप्शन है उस पर आप लोगों को अब अगले मंथ से यहाँ पे जो 25 दिनों की एंट्री है वो आप लोगों को करनी है, और जो अभी तक यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में टीएचआर की एंट्री नहीं की है तो वो सिर्फ यहाँ पर 25 दिनों का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 25 दिनों के लिए ही टीएचआर दी जाती है सभी लाभार्थियों को। तो इस प्रकार से आप लोगों को टीएचआर की एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25 दिनों की संख्या ऐड करेंगे और यहाँ पे सुरक्षित करें यानी सबमिट करें पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक इस मंथ का जो टीएचआर की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से बारी बारी से जितने भी लाभार्थी आपको दिख रहे हैं उन सभी के ऑप्शन पे इसी प्रकार से आपको क्लिक करके इनका टीएचआर का जो ऑप्शन है वो सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताओं की कैटेगरी में भी इसी प्रकार से आपको टीएचआर की एंट्री करनी है। यहाँ पे टीएचआर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 25 दिनों की संख्या डालेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं जो 6 मंथ से 3 ईयर्स के हैं इनको भी हम लोग टीएचआर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 52 बच्चे हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कितना टीएचआर मिला है, कितने बच्चों के लिए टीएचआर मिला है, उन बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको जो 25 दिनों की संख्या है वो आपको सबमिट कर देनी है। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी लाभार्थी हैं उनका टीएचआर आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग बच्चों की या गर्भवती महिलाओं की टीएचआर की एंट्री करते चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो 0 दिखा रहा है वो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 या जितने भी लाभार्थियों को आप टीएचआर देंगे वो इधर बाएँ के साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आपने कितने लाभार्थी को इस महीने टीएचआर दिया है। ठीक है, तो ये सारी एंट्री आप लोगों को इस प्रकार से कर लेनी है।
तो पोषण ट्रैकर ऐप में अब आप लोग THR किसी भी लाभार्थी को आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल का बटन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।